कॉन्टिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में ये बताया गया है कि मान लो आपके पास एक कंडक्शन करंट आता है, वायर में करंट आता है, और वायर में क्या करंट आता है, आई वन करंट आता है, और एक सॉलिड बॉडी बॉडी है, वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम वाइज बॉडी है, इसके अंदर करंट एंटर करता है और बाहर आ जाता है आई टू। तो ये टॉपिक आपको ये बताता है कि अगर तो इस सॉलिड बॉडी ने कोई चार्ज अकुमुलेट नहीं किया, इकट्ठा नहीं किया, फिर तो आई वन इज इक्वल टू आई टू। तो जितना चार्ज आया पर सेकेंड उतना चार्ज चला गया पर सेकेंड, बात हो गई ख़त्म। पर लेकिन अगर I1 करंट आया और सॉलिड बॉडी ने कुछ चार्ज रख लिया तो I2 की वैल्यू पक्की बात है कम होगी एज कम्पेयर टू I1। तो कॉन्टिन्यूटी उस केस में ब्रेक हो जाएगी। कॉन्टिन्यूटी तब मानी जाएगी जब I1 आया और I1 I2 के इक्वल चला गया, पर अगर अकुमुलेट होना हो गया चार्ज, इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, तो कॉन्टिन्यूटी करंट की ब्रेक होगी। तो वो करंट गायब हो गया नहीं, आप कहोगे चार्ज की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कहीं ना कहीं करंट ही होता है, क्योंकि चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो वो करंट गायब नहीं हुआ, हम बोलेंगे वो करंट डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर ये वॉल्यूम मान लो कैपेसिटर होता तो आई वन करंट आ रहा है कैपेसिटर में, आई टू जा रहा है, और बीच में क्या पैदा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो कैसे, ये देखो, तो इफ नो चार्ज अकुमुलेट मैंने बता दिया, टोटल चार्ज एंटरिंग एंड लीविंग द वॉल्यूम इज सेम, और इफ चार्ज अकुमुलेट्स इन वॉल्यूम तो कॉन्टिन्यूटी करंट की ब्रेक। तो ऐसे केस में कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट टोटल करंट इज स्टिल कॉन्टिन्यूस, वैसे कंडक्शन करंट की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक है, पर अगर कंडक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट लिया जाए तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है। इसी बात को समझाने के लिए वो कहता है मान लो आई वन करंट आया, आई टू करंट चला गया, तो चार्ज कितना एंटर कर रहा है टी टी टाइम में, आई वन इंटू डी टी, चार्ज बाहर कितना निकल रहा है आई टू इंटू डी टी, चार्ज अंदर कितना रह गया डी क्यू, डी क्यू का मतलब डी क्यू इन साइड, इतना चार्ज अंदर रह गया। इस डी टी को निकाल के इसके नीचे ले आओ, ये रहा, तो ये आपके पास आ गया आई वन माइनस आई टू। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दूँ डी बाई डी टी डी बाई डी टी, तो ये क्या आ गया, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, तो ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, तो आई डी क्या आएगा, आई वन माइनस आई टू। तो प्रूव हो गया कि आपका करंट गायब नहीं हुआ, आपका करंट किस फॉर्म में दिखेगा आपको, इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो ये करंट की कॉन्टिन्यूटी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट करंट को कंसिडर किया जाएगा तो करंट कॉन्टिन्यूस रहेगा, अगर नहीं लेंगे तो आप बोलेंगे कंडक्शन करंट डिसकॉन्टिन्यू हो गया।